कटनी बीना रेल सेक्शन के घटेरा स्टेशन में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सुबह 8 बजे आदिवासी मोहल्ला से रेलवे लाइन की दूसरी तरफ अपनी सहेली को किताब देने जा रही एक छात्रा मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हादसे के बाद परिजन निजी वाहन से छात्रा को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय दमोह लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा 6 माह पूर्व फुट ओवर ब्रिज के लिए फाउंडेशन का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद उसने निर्माण कार्य बंद कर दिया, जिससे लोगों को मजबूरन रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह 15 वर्ष की छात्रा नीतू आदिवासी, पिता नौने आदिवासी, निवासी घटेरा, अपने घर से सहेली को किताब देने रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ जा रही थी, तो अप रूट की मेल लाइन पर मालगाड़ी खड़ी होने पर छात्रा मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान मालगाड़ी आगे बढ़ गई और छात्रा का पैर ट्रैक पर आने से कट गया। फिलहाल जिला चिकित्सालय पहुंची आरपीएफ पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या है, जो ठेकेदार का काम चल रहा है ना, इससे बहुत लापरवाही है। 2024 से सब ब्रिज क्लियर हो गया, हर जगह सब घटेरा का ही ऐसा इतना स्टेशन का पिछड़ा हुआ है कि कहीं लोहा पड़ा, कहीं लकड़ पड़ा, कहीं पानी लीकेज, कहीं कुछ। इसके लिए स्कूल के बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चे अभी स्कूल चालू हो जाएंगे, आज उसको सप्लीमेंट आई थी बच्ची को अपना, वो बुक लेके गई थी और ट्रेन से उसका हादसा हो गया। और ब्रिज क्लियर हो गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। छात्रा लाइन क्रॉस कर रही थी, लाइन के उस साइड गई थी, तो मालगाड़ी की चपेट में हादसा होने से उसकी मौत हो गई है। जी, आपके इधर घटेरा रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज है क्या? नहीं, वो 6 महीना से ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया जा रहा था जी, जिसकी लापरवाही से वो ब्रिज भी कंप्लीट नहीं है, उसी के दौरान ये सब हो रहा है, घटना हो रही है, ब्रिज भी नहीं है।